नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है माँ क्रिएटिव किचन गार्डन में। मैं सुमन कानपुर से। फ्रेंड्स, आज जो मैं ऑर्गेनिक तरीके से जो टेरेस पर अपने फ्रूट्स तैयार करती हूँ, और सितंबर के महीने में क्या है कि हमारे अभी भी आम में खूब बौर आए हुए हैं। साल में 2 से 3 बार उसमें बौर आते हैं और 12 मासी आम है। तो फ्रेंड्स, आज उसको मैं दिखाऊंगी और चीकू का भी प्लांट से दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, चीकू है, जैसे अंजीर है, नींबू है और अमरूद है, इस समय खूब और जो ये आपका स्टार प्लांट्स है, अमरक है, ये 5 तरीके के मैं फल अभी अपने टेरिस पर दिखाऊंगी, और जो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग भी हो रही है और फ्रूटिंग भी साथ में हो रही है। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ जुड़ते जाइए, कड़ी से कड़ी मिलाते हुए जाइए, चलिए। और अगर पहली बार मेरे चैनल में आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन में घंटी को ज़रूर जाकर के प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई इस वीडियो में लेकर के आऊँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। तो आइए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए चलिए, आप आम का जो छोटे छोटे पौधे मेरे लगे हुए, अब आप देख लीजिए कि इसमें एक तरफ जो है एक डाली में क्या होता फल लगता, दूसरी डाली में क्या होता कि बौर आना शुरू हो जाते हैं। अब ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी बौर आना शुरू हो गए हैं, और मैं समय समय से इनके में कौन सी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालूंगी वो भी मैं बताऊंगी। तो देखिए, छोटे छोटे से आम लगने लगे हैं। एक्चुअली में क्या हुआ कि फ्रेंड्स, अब जी बारिश के कारण जो मेरे आम में और आम लगे हुए थे, तो उस आम में थोड़ा आम झड़ भी गए और शायद एक आम बचा हुआ है, तो वो भी मैं दिखाऊंगी कि एक आम जो बचा हुआ है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये आम जो है बारिश थोड़ी ख़त्म हो गई है, तो अब इसमें अच्छी से इसमें फ्रूटिंग होगी, बहुत अच्छी से फ्रूटिंग होगी। फ्रेंड्स, अगर आपके यहाँ आम के प्लांट्स लगे हुए हैं और ये ग्राफ्टेड आम लगे हुए हैं, तो आप इनमें कौन सी फर्टिलाइज़र डालें वो भी मैं वीडियो समय समय से बताऊंगी। और उसके बाद में ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे कोई मतलब कीड़ा डंक मार गया इस आम में, तो इतना अभी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, लेकिन इतना बड़ा हो गया है, मैंने इसको ही ऐसे छोड़ दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, उसी पेड़ में दूसरे तरफ आम ये लगा और दूसरे तरफ इतना बड़ा बौर आ गया है ना फ्रेंड्स। तो इस समय समय से इनकी कैसे गुड़ाई करेंगे, कैसे किस किन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। अब ये देखिए, जैसे कि आपने अमरूद देखा, ये छोटे से प्लांट्स में कैसे अमरूद मेरे लग रहे हैं। अब इनको अमरूद को भी बचाना है, तो भी फ्रेंड्स देखूंगी कि कैसे अमरूद बचाना होगा, क्योंकि गिलहरियाँ काफ़ी नुकसान भी कर जाती हैं आकर के, तो इनको भी दिखाना है कि कैसे। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से एक ही चीज़ कहूँगी कि अगर मेरे तरह तरह के आप जो है ये देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये देखिए, अमरक का पौधा है जो स्टार प्लांट्स होता है ना, तो स्टार प्लांट्स में देखिए कितना बड़ा फल लगा और कितने फूल, इसमें कितनी फ्लावरिंग हो रही। तो फ्रेंड्स, अमरक के पौधे में ज़्यादा पानी ना डालें, ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती इसमें, इसलिए जब फ्लावरिंग हो, चाहे आम का हो या कोई भी प्लांट्स हो, जब ज़्यादा फ्लावरिंग हो तो उस समय अमरक किसी भी प्लांट्स में ज़्यादा पानी ना डालें, क्योंकि इनके फूल झड़ जाते हैं। आप देख रहे हैं कि कितने छोटे से प्लांट्स में फ्रेंड्स कितने स्टार ये फल लगे हुए हैं, ये बहुत विटामिन सी से भरे हुए होते हैं, और इनमें फ्लावरिंग देखिए कितनी ज़बरदस्त फ्लावरिंग हो रही है। तो ऐसे मैंने टेरिस पर लगा लिए हैं, और ये 12x12 के ये इंच में गमले में लगे हुए हैं जो हमारे, तो उसी में मैंने लगाए। अब ये फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने ये नींबू के पेड़ में, देखिए नींबू की पत्तियों में ये कीड़े हैं जैसे, तो आप इनको कीड़े ना समझें, ये पत्तियों को खाते हैं, पत्तियों को खाने के बाद में फिर इनमें पर जमाते हैं, पर जमने के बाद में फिर ये तितली का रूप ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हो सके तो किसी पत्ती में रख करके आप साइड में रख दीजिए, तो इस समय अगर इस तरह से पौधे में लगे हैं कीड़े दिख रहे हैं, तो आप इनको कीड़ा बिल्कुल मत समझिएगा, इनमें अभी कोई कीटनाशक ऐसी दवा ना छिड़किए, ये पत्तियाँ फिर से बाद में बहुत अच्छी हो जाएंगी। तो आप देखिएगा मेरे यहाँ प्लांट्स में कितने नींबू भी साइड से लगे हैं, और मैं इसमें ज़्यादातर फ्रेंड्स क्या होता कि नींबू है जैसे, और जो है आपका ये नींबू के प्लांट्स में है, और आपका जो है ये स्पाइडर प्लांट्स में है, इनमें भी सब जगह इन पत्तियों में ही लगते हैं,
इन पत्तियों को खा कर के तब ये भोजन बनाते हैं, इससे तब ये तैयार होते हैं। तो इसलिए मैंने इसमें कोई ऐसी मतलब कीटनाशक छिड़काव नहीं किया। देखिए जैसे कि फ्रेंड्स ये अभी आपने देखा पत्ती बिल्कुल नहीं खाया है, अभी कल तक पत्ती में बिल्कुल एकदम सपाटा पत्ती हो जाएगी। तो ये हमारे पौधे जब तितली बनकर के तैयार होती हैं, जब हमारे गार्डन में इधर से उधर उड़ती हैं, तो ये जो है पॉलिनेशन का काम करती हैं। तो फ्रेंड्स पॉलिनेशन का काम करने के लिए तो आपको पॉलिनेशन के करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इन तितलियों को बचा करके रखें, इधर से उधर बैठेंगी तब जब किसी फूल में बैठ करके किसी उसमें जाएंगी, तो फ्रेंड्स इधर से उधर जब ये लोग तितलियाँ जाती हैं और तितलियाँ हैं भौरे हैं, इसी तरीके से जब अपने गार्डन में घूमते हैं तो बिल्कुल किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। अब ये देखिए फ्रेंड्स ये अंजीर कितनी लगी हुई है। तो अभी मैंने चार तरीके के फल अपने टेरिस पर दिखाए फ्रेंड्स, और जो सितंबर के महीने में, अब इसमें जैसे आपने देखा ये चीकू, चीकू में भी समय समय से इसमें कौन सी फर्टिलाइज़र डालते हैं उसको भी मैं समय समय से बताती रहूँगी फ्रेंड्स। कभी कभी क्या होता है कि मैं ऐसे डाल करके चली आती हूँ जल्दबाजी में, तो ये चीकू तो उस समय कभी कभी वीडियो नहीं बना पाती हूँ। तो आप ये देखिएगा मेरे चीकू में भी कितनी फ्लावरिंग भी हो रही है और फ्रूटिंग भी हो रही है। आप देखिए छोटे छोटे से इसमें इनके बेबीज निकल आए हैं, देख रहे हैं फ्रेंड्स कितने अच्छे से निकले हैं। तो इनमें अच्छी सी हैवी फीडर फर्टिलाइज़र देनी पड़ेगी, वो भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो अपने तरीके से मैं अपने गार्डन में बनाती हूँ, और मैं कोई चीज़ ऐसी फेंकती नहीं हूँ फ्रेंड्स। अभी तो मेरा टेरिस बहुत गंदा पड़ा है क्योंकि पीछे से हमारे घर में पत्तियाँ बहुत उड़ उड़ करके आती हैं, जो बड़े बड़े पेड़ लगे हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स जो है मैं उसी से फर्टिलाइज़र बनाती हूँ, और किचन बेस्ट से भी फर्टिलाइज़र बना करके तैयार करती हूँ। मैं कोई भी चीज़ फ्रेंड्स नहीं फेंकती हूँ। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि तरह तरह के आप लोगों को ऐसे मैं तरीके बताती रहती हूँ, क्रिएटिव तरीके बताती रहती हूँ। देखिए जैसे चीकू अंजीर देख रहे हैं फ्रेंड्स, अंजीर में क्या है कि देखिए गिलहरियाँ खा करके ये अंजीर जैसे पकने लगता है तो गिलहरियाँ खा करके बिल्कुल चली जाती हैं, बिल्कुल नुकसान कर देती। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, मैं इतना कभी नहीं सोचती हूँ, लेकिन मेरे को देखने में अच्छा लगता है। अब फ्रेंड्स जो मेरी वेजिटेबल है उसके बारे में भी बताऊँगी कि वेजिटेबल अगर आपकी तैयार हो रही है, अगर पत्तियाँ उसमें फल आने लगे तो उसके लिए क्या करें, तो छोटी सी क्लिप मैं उसमें भी दिखाऊँगी। तो फ्रेंड्स जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर मैं कोई अच्छे से वीडियो कभी कभी लेकर के आती हूँ तो आप लोगों को जो नए बिगनर हैं उनके लिए बहुत अच्छी जानकारी होती। अब ये देखिए कितनी लंबी सी लौकी हो रही है, बताते हैं लौकी जब मैं लेकर के आई थी इसके बीज तो बताते हैं 5-5 फीट की लौकी होती है। तो ये फ्रेंड्स इसको भी बचाना, तो इसलिए इनकी तितलियों को यही है कारण जो हमें पॉलिनेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। आप देखिए फ्रेंड्स कि जरा से पौधे में इतने फल लगे हुए हैं, जैसे ये देख रहे हैं कि मैंने इसमें पीला कलर का है ना, तो पीले कलर के फूल में इसमें तितलियाँ आती हैं, भौरे आते हैं, तो इसको इस पर बैठते हैं फिर जैसे फल वाले हैं या सब्जियों के हैं प्लांट्स, तो उसमें जाकर के पॉलिनेशन कर देते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स इस तरह से मैं इस छोटे छोटे इस तरह से फूल वाले पौधे में जगह जगह लगा करके रखती हूँ, तो ऐसे तैयारी में करती रहती हूँ। फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर